नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने अब तक पिछले 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और श्रृंखला में 2-0 से आगे चल रही है। इस युवा टीम ने बल्लेबाजी में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, अपने अंदाज को बदला है इस टीम ने और इस वजह से परिणाम को बदला है इस टीम ने। गेंदबाजी जरूर थोड़ी समस्या का विषय रही है इस टीम के लिए, लेकिन वक्त के साथ वो भी बेहतर हो जाएगी। अभी इस टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव का आना बाकी है, जिसके बाद ये टीम और मजबूत नजर आएगी। पिछली बार जब यहां T20 मुकाबला खेला गया था तो 400 से ज्यादा रन बने थे, तो ऐसे में एक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है, फिर से रनों की बारिश होने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 2-0 से आगे चल रही है। ऐसे में टीम इंडिया तीसरे T20 मैच में सीरीज सील करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज में वापसी के इरादे के साथ उतरेगी। भारत की बात करें तो बल्लेबाजी अब तक दोनों ही मुकाबलों में कमाल की हुई है। टॉप ऑर्डर कमाल की फॉर्म में है, लेकिन भारत के लिए गेंदबाजी एक बड़ी समस्या है। पहले मुकाबले में जहां भारतीय टीम ने 200 रन गंवाए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने 190 से ज्यादा रन बनाए थे। बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में अब तक सिर्फ 3 T20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यहां भारत के खिलाफ 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेटों से बाजी मारी थी। दूसरी ओर टीम इंडिया ने इस मैदान पर 3 में से एक ही मैच जीता है और एक बेनतीजा रहा है। भारत के लिए जो बड़ी चुनौती होने वाली है वो भारत के गेंदबाज ही होने वाले हैं। अगर ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग होता है तो देखना होगा कि भारत की गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते। वहीं सूर्य कुमार यादव के लिए भी ये बड़ी समस्या, बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि वो अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि भारतीय टीम सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ ही उतरती है। वहीं भारत अगर आज इस मुकाबले को जीतेगी तो सीरीज अपने नाम कर लेगी। इसके बाद हो सकता है कि टीम में काफी बदलाव भी देखने को मिले। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN24।